तो हेलो टीचर्स फ्रेंड्स, मैं हूं आपका अपना दोस्त AK सोनवानी। और आज मैं बात करने वाला हूं ऑनलाइन क्लास में आने वाली एक बहुत बड़ी समस्या को। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, आप सब जो हैं अपने घर से लॉकडाउन के वजह से ऑनलाइन क्लास जो है जोर शोर से ले रहे होंगे। लेकिन बहुत बड़ी एक समस्या है, परेशानी ये है कि हम ऑनलाइन क्लास जो है ले रहे हैं, आप ले रहे हैं, लेकिन परेशानी ये है कि हमारे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में बच्चों की संख्या या तो गिनती में है या फिर जीरो है, जो कि हमारे लिए बहुत ही पीड़ादायक है। क्योंकि दोस्तों, जिसके लिए हम क्लास ले रहे हैं वो ही बच्चे हमारे क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो पढ़ाई तुम्हार द्वार के तहत जो है राज्य शासन ने यह हमें अपॉर्चुनिटी दी है कि हम घर में ही रह के बच्चों के लिए कुछ अच्छा करें, उन्हें पढ़ाएं और उनका जो है समय जो है फालतू में ना जाए, इसलिए ये काम किया गया है। लेकिन इसका फायदा जो है बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। तो मैं दोस्तों इसी के बारे में आप लोगों से आज बात करने वाला हूँ और चार कारण आप लोगों को बताने वाला हूँ जिसकी वजह से बच्चे जो है हमारे ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ते। इस हो सकता है दोस्तों, इसमें चार कारण मैं जो बताऊं ये हो आप लोगों को हो सकता है पता हो, और इसके अलावा और भी वजह होंगे और कारण होंगे जो आप लोग जानते होंगे। तो जब कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं इन चार कारणों में से और भी जो कारण आप समझते हैं, जानते हैं, उसको आप अपना अपने मन का विचार जो यहाँ कमेंट्स बॉक्स में नीचे में जरूर शेयर करें और बताएं। तो ऑनलाइन क्लास में बच्चों की संख्या जीरो या ना के बराबर होने का सबसे बड़ा एक कारण है दोस्तों, सबसे बड़ा एक कारण सभी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होना। जी हाँ दोस्तों, सभी बच्चों के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं होने की वजह से जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं ऑनलाइन, वो ऑनलाइन आके नहीं पढ़ पा रहे हैं। अब बच्चे कहीं से मोबाइल तो ला नहीं सकते, घर में मोबाइल है ही नहीं, तो आके ऑनलाइन क्लास में वो कैसे जुड़े। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके वजह से बच्चे जो है आपसे, हमसे क्लास में, ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाते। इसलिए एक आप चाह के भी उन बच्चों को जो है आप फोर्स नहीं कर सकते, डांट टपट नहीं कर पाते फोन कॉल कर दें कि आप ऑनलाइन क्लास में जुड़े। मेन चीज जो वही है जिसके वजह से वो और आपसे नहीं जुड़ पाते हैं। दूसरा चीज है दोस्तों, एक बहुत बड़ी समस्या है सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो माता पिता हैं उनके पढ़ाई के प्रति उतनी ज्यादा गंभीर नहीं दिखाई देते जितने कि प्राइवेट स्कूल के बच्चों के माता पिता होते हैं। आप इस बात को गलत समझें या सही समझें, लेकिन मुझे तो लगता है कि पालक जो है बच्चों के पढ़ाई के प्रति बिल्कुल ध्यान नहीं देते। हमारा राज्य शासन जो है बच्चों के समय को दुरुपयोग ना हो, फालतू में वो खेलने कूदने में बीत ना जाए, इसलिए ये पढ़ाई तुम्हार द्वार के द्वारा कार्यक्रम चलाया गया है। लेकिन पालक जो है इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते और अपने बच्चों के पीछे नहीं पढ़ते, उनको मोटिवेट नहीं करते कि आप ऑनलाइन क्लास जो भी लिया जा रहा है उसमें जाके जो भी सीख सकते हैं आप सीखो। ऐसे हमारे पालक जो है, ज्यादातर पालक जो है ऐसा अपने बच्चों को समझाइश नहीं देते। तीसरा एक बहुत बड़ा समस्या है दोस्तों, एंड्रॉयड मोबाइल तो है, पालक भी सीरियस हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उस पता चला है कि वो बच्चे जो जहाँ रहते हैं वहाँ या तो नेटवर्क नहीं है और या तो है तो बहुत कम, जिसके वजह से वो आपके ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पाते। जी हाँ दोस्तों, तीसरा वजह है कि जो भी बच्चे हैं उनका लोकेशन जो है वहाँ पे नेटवर्क का कम होना या ना होना, जिसके वजह से बच्चे जो है आपसे नहीं जुड़ पाते। चौथा और एक बहुत बड़ा समस्या ये है कि हम चाह के भी बच्चों को जो है ऑनलाइन क्लास का जो भी प्रोसेस है वो अच्छे ढंग से समझा नहीं पा रहे हैं। इसका कारण यही है दोस्तों, कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और हर बच्चे के पास हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। दूसरा बात यह है दोस्तों, जब भी हम चाहते हैं कि किसी बच्चे के पास पहुंचे तो परेशानी ये है कि या तो पालक जो है उस मोबाइल को, अगर एंड्रॉयड मोबाइल उनके पास है तो एंड्रॉयड मोबाइल पकड़ के वो खुद बाहर चले जाते हैं। तो आप बच्चों को सिखाएं तो सिखाएं कैसे। मैं और मेरे स्टाफ के जो भी टीचर्स हैं लगातार जो है, और भी बहुत सारे शिक्षक साथी जो है लगातार बच्चों से कोरोना को दरकिनार करते हुए गांव जाते हैं या
आपके जो सर्कल में जो भी स्कूल आते हैं वहाँ जाते हैं, बाकायदा बच्चों से मिलते हैं, निश्चित दूरी बना के रखते हैं, मास्क पहनते हैं कोरोना से, कोरोना के डर से फिर भी बच्चों को मिलते हैं। कितने बच्चे? 3-4 बच्चे मिलते हैं जिसके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है। तो परेशानी ये है कि दोस्तों बच्चों को ये ऑनलाइन क्लास का पूरा प्रोसेस नहीं मालूम है, इसलिए जो है बच्चे अगर चाहते भी हैं ऑनलाइन क्लास में जुड़ने का तो टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है समझ नहीं पाते कि कौन से लिंक में आपको जाना है, कैसे ज्वाइन करना है, कैसे पढ़ाई करना है। तो ये 4 जो है बहुत बड़ी कारण है जिसके वजह से हमारे बच्चे जो हमारे ऑनलाइन क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं और इसका सीधा सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ेगा। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, इसके अलावा भी आप लोगों के पास और भी आपके मन में विचार आ रहे होंगे कि कौन सी वजह है जिसके वजह से बच्चे जो है आपके क्लास में नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपना विचार जो है मेरे साथ जो है शेयर कीजिए, बताइए। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों का ये वीडियो जो है पसंद आया होगा, पसंद जरूर आया होगा। आपको पसंद आया होगा तो वीडियो लाइक कर दीजिए, इससे आप पढ़े तुम्हारे द्वार के तहत ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन क्लास लेने की कोशिश कीजिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।